सो वेलकम आप सबका आज को जसवी के ये एक स्पेशल एपिसोड है। तो हमारी टीम ने लास्ट वीक एक आइडिया हमें फ्लोट किया, उनने फिर बहुत सारे शाउट आउट्स किए, मैंने खुद ने बहुत सारे शाउट आउट्स किए और आप लोगों ने इतने सारे सवाल भेजे। अब सब सवालों का आंसर करने जाऊंगा तो पूरी 2-3 फिल्में बन सकती हैं, पूरी एक सीरीज बन सकती है, बट फिर हमने कुछ बेस्ट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। वील बिगिन विद द क्वेश्चन दैट हैव कम ऑन यूट्यूब फर्स्ट। तो पहला सवाल है, नाउ डेज पीपल वॉइस देयर ओपिनियन ऑन ईच एंड एवरीथिंग थ्रू सोशल मीडिया, इवन कम आउट ऑन स्ट्रीट्स इजिली, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स देयर नॉलेज ऑफ द इशूज इज वेरी लेस एंड अंडरस्टैंडिंग इज इवन लेसर एंड मोस्ट पीपल चेंज ओपिनियंस इजिली, दे आर योर ऑडियंस ऑल्सो। हाउ चैलेंजिंग इट इज टू हैव दिस ऑडियंस दैट सीम्स टू नो ऑल बट इज नॉट। आई थिंक हम अपने किस्म का काम कर सकते हैं एंड ऑडियंस हमेशा मेकर्स या कंटेंट क्रिएटर्स से बहुत ज़्यादा है, तो दे विल हैव देयर ओपिनियंस, बट ओपिनियंस से फिल्में या प्रोग्राम्स नहीं बनते, प्रोग्राम्स और फिल्मों से ओपिनियन बनते हैं। तो आई थिंक वील कंटिन्यू टू डू आर वर्क एंड अच्छा काम वही है या जो नोटिसेबल काम वही है जिसके ऊपर ओपिनियंस बने, जिसके ऊपर लोग बात करें, और वही हम चाहेंगे कि बनती रहे आने वाले टाइम में भी। इन्होंने आगे पूछा है, यू हैव ऑलरेडी मेड अ मार्क लार्जली एज अ डायरेक्टर ऑफ सोशल इशूज दैट आर सीरियस, व्हाट इज योर टेक ऑन फाइन सटायर और अ लाइट कॉमेडी ऑन अ सीरियस इशू और इन लाइफ इन जनरल, ईच ऑफ अस कैरीज अ वेट इन सम वे, मेनी ऑफ अस टर्न टू द आर्टिफिशियल टू लुक एट थिंग्स इवन प्रॉब्लम्स इन अ विटी मैनर सो वी कैन लाफ एट द एंड ऑफ द डे। सो मैम, कॉमेडी फिल्म्स या विटी फिल्म्स बनाना या विटी वे से फिल्म्स बनाना, ये कहीं ना कहीं हम हमेशा कोशिश करते हैं क्योंकि लाइफ में भी हम सीरियस इश्यूज में भी डील करते हुए विटी हो जाते हैं और वो हमारी बातों में रहता है। तो ऐसा नहीं हमने कॉमेडी फिल्म्स बनाई, एक हमारी फिल्म थी लकी कबूतर विच इज़ अ ब्लैक कॉमेडी, इट्स अ सटायर, PTC पंजाबी पे आप वो फिल्म देख सकते हैं, PTC प्ले पे देख सकते हैं। हमने एक फिल्म बनाई थी JS लाइव जो कि गोइंग लाइव ऑन फेसबुक के ऊपर एक सटायर था और वो दो भागों में बनी, JS लाइव और JS लाइव 2, ये दोनों फिल्म्स आप रोलिंग फिल्म एंटरटेनमेंट पे देख सकते हो। और आने वाले टाइम में भी हम एक फिल्म बना रहे हैं, रादर एक फिल्म और एक सीरीज़ विच आर कॉमेडी एंड विच डील विद सीरियस इश्यूज इन अ वेरी विटी वे। सो आप उम्मीद कर सकते हैं दर्शक भी कि 2021 में आपको वो देखने को मिलेंगे। अगला सवाल है सुमित चौधरी का, हेलो जसवी सर, I am an aspiring actor and I belong to Haryana. Sir, I wanted to work in my native language first, but there is still a serious vacuum of entertainment industry in my state, although it has very much potential to become a regional industry. Sir, will you doing any future projects related to Haryana? Yes, Sumit, definitely. I have written a film and a series that deal with stories that are based in Haryana. और ये vacuum है, ये definitely vacuum, ये एक pull और push होता है जी, क्योंकि ऑडियंस इतना हरियाणवी लैंग्वेज में सिनेमा देख भी नहीं रही हैं, वो सीख भी नहीं करती हैं, इसलिए मेकर्स बना भी नहीं रहे हैं। तो आई थिंक अगर कोई एक शॉर्ट फिल्म भी बनाता है तो आप डेफिनेटली ऐसे मेकर्स को ज़रूर इंकरेज करें ताकि पहले वो उन फिल्मों को देखना शुरू करें, तभी बड़े कैनवस की फिल्में या बड़े बजट्स इन्वेस्ट होना शुरू होंगे और फिर थिएटर्स उन फिल्मों को एक्सेप्ट करेंगी लगाने के लिए और सीरीज़ भी उन पर बने और जो भी हो। तो डेफिनेटली ये है और ये प्रॉब्लम सिर्फ हरियाणा की नहीं है, ये हिमाचल में भी ये प्रॉब्लम है और पंजाब में भी इंडिपेंडेंट फिल्म्स की अभी भी डर बहुत मतलब कम है और हरियाणा से बहुत कम फिल्में हैं। हरियाणा से हमारे बहुत अच्छे एक फिल्म मेकर हैं अश्विनी चौधरी जी, बहुत हमारे सीनियर हैं, उन्होंने फिल्म बनाई थी लाडो विच वॉन नेशनल अवार्ड, और बहुत कम फिल्में हैं जिनको हम जानते हैं। हरियाणवी एक फिल्म बनी थी जी कुत्ता से, वो 2016 या 17 की रिलीज थी फिल्म, वो कितने लोगों ने देखी, तो जहां लगी उन्होंने बहुत सारी कैनोपीज लगाई, फिल्म को प्रमोट किया। ऐसी फिल्मों को अगर आप देखने जाएंगे तभी मेकर्स में हिम्मत आएगी कि वो उस लैंग्वेज में सिनेमा या फिल्म प्रोड्यूस कर पाएँ। ओके, अगला क्वेश्चन है वरुण नारंग का, हाय ओजस्वी ब्रो, हैव टू क्वेश्चंस टू आस्क हियर, प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन द अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यू हैव। राइट, सो वरुण, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स काफ़ी हैं अभी, आई एम वर्किंग ऑन अ कपल ऑफ देम एंड होपफुली दे विल बी फिल्म, जैसे थोड़ी थोड़ी फिल्मिंग रिलैक्सेशंस हमें मिलेंगी, रीजनल एरियाज थोड़े ओपन अप होंगे फिल्म मेकिंग पॉलिसीज के मामले में अभी आफ्टर कोविड का जो इम्पैक्ट रहा है, और इस साल के एंड तक प्रोडक्शंस रहेंगी एंड होपफुली नेक्स्ट ईयर आपको काफ़ी फिल्में देखने को मिलेंगी, कुछ प्रोग्राम्स और कैंपेन्स और शॉर्ट फिल्म आपको इस साल देखने को मिलेंगी आपको, बट वो रहेंगी सितंबर के बाद। ऑलवेज वंडर फ्रॉम वेयर डिड यू गेट सच अ पॉजिटिव एनर्जी फ्लो, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन सेट्स एज वेल एज ऑन योर पर्सनैलिटी, थैंक यू सो मच।
सेट पे काम करने से वैसे भी एक तरीके से एनर्जी आ जाती है। आई एम सराउंडेड बाई पॉजिटिव पीपल, आप इतने अच्छे लोग हैं आपके, और इतने अच्छे एक्टर्स हैं, इतने अच्छे टेक्नीशियंस हैं, हमारी टीम है, ऑफिस की टीम, और आई थिंक ऑडियंस ऑडियंस जब काम बढ़ चढ़ के रिसीव करती है तो पॉजिटिव एनर्जी फ्लो आ ही जाता है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द ऑडियंस। तो आप लोग कैसे इस चीज़ को समझते हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है सनी ढिलों, वाओ जी, तो अपने बड़े लोग हैं जो लिख रहे हैं एंड आई रियली लाइक इट कि यार उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं। सर योर फिल्म्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स इज़ द बेस्ट थिंग एंड वी आर प्राउड टू बी पार्ट ऑफ द फिल्म्स। आई हैव आइडिया फॉर यू, आर यू इंटरेस्टेड टू लिसन, आई हैव अ स्टोरी फॉर यू, आई थिंक यू आर दैट पर्सन हु कैन कन्वर्ट माई थाट्स टू अ फिल्म। थैंक यू सो मच सनी ढिलों जी। डेफिनेटली आई थिंक स्क्रिप्ट की नरेशंस इतनी हो जाती हैं और अपने भी अच्छे लोग सुनाएं तो बहुत अच्छा लगता है कि दैट यू हैव कम अप विद द आइडिया, और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं वो आदमी हूँ जो आपकी फिल्म, आपके थॉट्स को फिल्म में कन्वर्ट कर सकूँ। सो गेम ऑन, आप स्क्रिप्ट अपनी सुनाएं, आप नरेशंस दें, आप आइडिया सुनाएं, और अगर ये फिल्म में वो दम है कि वो बन पाए और इसकी पॉसिबिलिटीज़ खड़ी हो पाएं तो डेफिनेटली बनाएंगे, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है आलम पना, ये नाम ही बड़ा अच्छा है, आलम पना। हेलो सर, आई वांट टू नो हाउ दिस रोलिंग फ्रेम एंटरटेनमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब चैनल एंड एज आई नो गवर्नमेंट गिव द परमिशन टू शूट फिल्म म्यूजिक वीडियो, सो वॉट इज़ योर नेक्स्ट प्लान एंड वेन यू आर स्टार्टिंग योर न्यू प्रोजेक्ट। ओके, सो रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट एक चैनल, एक पब्लिशर है जो कि हमारी प्रोड्यूस की भी फिल्म्स और बाकी की भी इंडिपेंडेंट कंसीव्ड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, शोज़ को पब्लिश करता है, और इसकी प्रेजेंस इंटरनेट के सारे वीडियो प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है। यूट्यूब इज़ वन ऑफ दी प्लेटफॉर्म्स है, वेबलर है, फेसबुक है, जहाँ जहाँ पे लोग वीडियो के लिए स्पेशली विजिट करते हैं वहाँ पे रोलिंग फिल्म्स एंटरटेनमेंट की आपको प्रेजेंस मिलेगी। सो इट्स अ पब्लिशर एंड कंसिडर इट बीइंग अ चैनल। पंजाब गवर्नमेंट ने स्पेशल अपनी पॉलिसी निकाली है पोस्ट कोविड 19 की, किन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए शूट किया जाए और क्या है। आई थिंक हमारी स्क्रिप्ट्स पे बहुत डिपेंड करेगा कि वो किस डिस्ट्रिक्ट में शूट हो रही हैं, उसकी लोकेशंस क्या हैं और कितने लोग हैं। अगर कोई फिल्म मुझे लगता है कम 5-6-7-8 लोगों में या गुरिल्ला फॉर्म में शूट की जा सकती हो तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम नहीं है, बाकायदा आप पूरे प्रिकॉशंस बरतें। अगला सवाल है गुरप्रीत वड़ैच, ओह वड़ैच साहब, व्हेन विल यू मेक अ फीचर फिल्म, आप बताओ कब बनानी चाहिए, आप रेडी हैं बड़ी गेम के लिए? जब आप रेडी हैं, जब दर्शक रेडी हैं, आप मुझे, आप हमें कॉमेंट्स में लिख के बताएँ कि वी शुड गो अहेड एंड मेक अ फीचर फिल्म। जितने कमेंट्स आएंगे और जो लोग लिखेंगे दैट वी शुड गो अहेड एंड मेक अ फीचर फिल्म, वी विल डेफिनेटली अनाउंस आर फीचर फिल्म। वी आर रेडी विद द फिल्म्स, वी आर रेडी विद द स्क्रिप्ट्स, ये तो दर्शकों पे है क्या आप हमारे से फीचर फिल्म देखना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। अब ये इंस्टाग्राम कमेंट्स पे आते हैं। विकास मेहता 8, हेलो भैया, सबसे पहले तो आपको आज को जसवी शो के लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद। थैंक यू विकास भाई। भैया आपको हमने एज अ डायरेक्टर, स्टोरी राइटर, डायलॉग राइटर देखा है, आप लिखते बहुत अच्छा हो और जो भी बनाते हो वो भी काबिले तारीफ होता है। मैंने ये जानना चाहता हूँ कि हम आपको आने वाले टाइम में एज एक्टर अगेन कब देख पाएंगे, एक्टर अगेन। पहले तो आप ये कमेंट करके बताएं आपने मेरे को इससे पहले किस फिल्म में एज एन एक्टर देखा था, आप बताओ कि क्या मुझे एक्टिंग करनी चाहिए कि नहीं चाहिए। आप जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं आप कमेंट करके बताओ। देखो सबसे पहले तो मैं एज अ डायरेक्टर बहुत एक कंफर्टेबल जोन में हूँ, आई लाइक राइटिंग, आई लाइक कंसीविंग एंड आई लाइक कि आप इतने अच्छे एक्टर्स हैं मेरे पास तो आप अच्छा इतना काम कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग काम करें। तो यार फ़ोन ही नहीं आते, कोई मुझे फ़ोन करके बुला ही लो। दिशा संधू, हाँ, हेलो सर, वॉज फिल्म मेकिंग योर गोल फ्रॉम द बिगिनिंग और यू हैड सम डिफरेंट करियर ऑप्शन इन माइंड? येस, व्हेन आई वॉज इन द ऑलमोस्ट इन द प्री फाइनल ईयर ऑफ माई ग्रेजुएशन, फिल्म मेकिंग की तरफ मेरा इंक्लिनेशन शुरू हो गया था एंड आई हैड स्टार्टेड मेकिंग शॉर्ट फिल्म्स, और इंकरेजमेंट मिलती रही, सो दैट लेड टू द ग्रोथ। अगर इंकरेजमेंट ना मिलती तो बहुत डिजास्टर हो जाता और मैं फिर वही कर रहा होता जिस चीज़ की मैंने पढ़ाई की थी, आई वुड हैव बीन एन इंजीनियर। सो दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम परमिंदर कौर, चितकारा यूनिवर्सिटी, राइट, सो दैट्स माई यूनिवर्सिटी। सो पैंडेमिक से इफेक्ट पड़ा है, शूटिंग्स रुक गई हैं बिकॉज मास गैदरिंग होती है शूटिंग्स में, देखने वालों की भी बहुत गैदरिंग होती है और बनाने, शूटिंग कम लोगों में नहीं होती है, बहुत इंटरव्यूज़ हो सकते हैं कम लोगों में, फिल्म्स नहीं हो सकती और सीरियल नहीं हो सकते। अब ग्रेजुअली लास्ट मंथ से सीरियल्स शुरू हुए हैं,
फ़ायदा भी ये हुआ है कि बहुत लोग जो डिजिटल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, अगर 3 महीने में आपको बहुत ज़्यादा डिजिटल देखने को मिल गया है, बट थिएटर्स अब वापस रनिंग में आएंगे और वापस लोग फिल्म देखने जाएंगे, मैं दुआ करता हूँ। सो अगला सवाल है नितिन दिलावरी से। हेलो सर, कंग्रेचुलेशंस फॉर आस्क ओजस्वी। आई वॉन्ट टू आस्क यू एज अ डायरेक्टर, वॉट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू आउट ऑफ द होल क्रिएटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट्स? आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कन्विक्शन और सारे डिपार्टमेंट्स को जानना। पहले तो डिपार्टमेंट्स ही कितने ये पता होने चाहिए, फिर उनके साथ काम क्या करना है, कोऑर्डिनेट क्या करना, और उस डिपार्टमेंट का काम समझना बहुत ज़रूरी है। अगर सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात की जाए तो आई थिंक वो कन्विक्शन है मेरे लिए। इफ़ आई एम कन्विंस्ड कि स्टोरी बहुत अच्छी है, मेरी टीम बहुत अच्छी है, आई थिंक, और तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बन जाता है कन्विक्शन से, और उसके बाद आपकी फिल्म बनने से कोई नहीं रुकेगा साहब, तो आप यू विल गो अहेड एंड मेक इट, तो शुरू हो जाओ बस, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है फाल्गुनी गोयल का। हाय, कुड यू प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस बीइंग अ डायरेक्टर एंड द आइडिया दैट हैज केप्ट यू मूविंग इन दिस डायरेक्शन? आई थिंक द एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग द डायरेक्टर ऑफ फिल्म्स हैज़ बीन ब्यूटीफुल, इट्स बीन बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस है, एंड द आइडिया दैट हैज केप्ट मी मूविंग, आई थिंक आइडिया से ज़्यादा ये कॉन्स्टेंट मोटिवेशन और ये दर्शकों का प्यार है, ये आप लोग जो मोटिवेट करते हो ना, अप्रिशिएट करते हो फिल्म देख के, या कोई चीज़ नहीं अच्छी लगी वो भी लिखते हो, बट आई थिंक आप लिख के जो जो चीज़ें भेजते हो मैसेज से, दैट इंस्पायर्स अस टू कीप मूविंग अहेड एंड ब्रिंग आउट बेटर स्टोरीज फॉर यू, तो वो मोटिवेट बहुत करता है, एंड देन जर्नी आगे बढ़ी गई है। अगला सवाल है सिंह हरमीत 13 का। हेलो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशंस, एंड सेकेंडली आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन दैट हाउ कैन वी स्टार्ट अ वीडियो एडिटर एंड अ सिनेमाटोग्राफर, शुड इट बी इन एन स्टूडियो और एन फ्रीलांस, विच इज़ बेटर ऑप्शन? आई थिंक हरमीत, आपको यू शुड नो फर्स्ट हाउ टू बॉन्ड अलॉन्ग विद अ टीम। आई थिंक अकेले कैमरा से शुरू करोगे या अकेले ही काम करोगे या अकेला ही बगैर टीम के आप काम करोगे तो बहुत लंबी जर्नी नहीं हो पाएगी, क्योंकि टीम से ही आगे आपकी ग्रोथ मिलेगी। यू विल बी एबल टू वर्क ऑन बिगर प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स विच आर मोर चैलेंजिंग, विच आर मोर वर्सटाइल एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो। तो जो आप एम करते हो ना कि देखना कि मुझे एक OTT प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, ये एक थिएटर मिलेगा, आई थिंक वो एक अकेले सिनेमाटोग्राफी और अकेले वीडियो एडिटिंग से अचीव नहीं हो पाएगा। यू नीड टू ग्रो योर टीम, यू नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अ टीम फर्स्ट एंड देन लर्न हाउ टू ग्रो अ टीम एंड गो अलॉन्ग विद इट, सो यू कैन ज्वाइन अ गुड टीम और स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन टीम। तो इंस्टाग्राम स्टोरीज की सबसे मजेदार बात है कि सवाल छोटे और जवाब छोटे। सो ये सवाल है DM मनिंदर का। हाउ यू चूज कास्टिंग एंड सर्चिंग? देखो, सर्चिंग तो एंडलेस है, वो तो लोग मिल जाते हैं, और कास्टिंग इज़ की कास्टिंग के लिए अब कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जी, हमारी कास्टिंग की वेबसाइट के शाउटआउट्स हैं, लोग अप्लाई करते हैं। तीसरी, कास्टिंग की वेबसाइट्स और ऐप्स आ गई हैं अब, जहाँ पे भी अगेन हम शाउटआउट्स देते हैं। और कास्टिंग के लिए मैं एस्पायरिंग एक्टर को ज़रूर कहूँगा कि आप रोल पढ़ के अप्लाई करो कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं, कि क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है कि नहीं। गिव इट योर बेस्ट शॉट, कुछ अच्छी ऐप्स हैं, आप उनको ट्राई कर सकते हो, घर बैठे ऑडिशन दे सकते हो। अगला है लेनी टी वेस्ट, लविंग योर क्रिएटिविटी। अरे ये सवाल नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू सो मच लेनी। अगला सवाल है प्रीति तारा सुहाग। सर, मुझे कब करवाओगे शूट अपने साथ? ओके, आप ऑडिशन अलर्ट्स हमारे चेक करते रहो, रोलिंग फिल्म एंटरटेनमेंट हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे, इस चैनल पे, नीचे अपडेट्स में आप जाके लिख भी सकते हो और चेक भी कर सकते हो। तो जब भी आने वाले प्रोजेक्ट्स होते हैं उसकी कास्टिंग कॉल अनाउंस होती है, आप अप्लाई करो पढ़ के, एंड डेफिनेटली अगर आपका ऑडिशन या आपका रोल या आपका प्रोफाइल मैच करता है तो आपको कॉल आएगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। सवाल ना बड़े पेचीदा भी आ रहे हैं और थोड़े घूमे फिरे भी आ रहे हैं। राजन बठेजा, राइट, सो व्हाट वुड यू बी इफ़ यू वर नॉट अ फिल्म मेकर? क्या होना चाहिए था आप बताओ कमेंट करके कि मुझे क्या होना चाहिए था। मैंने कुछ और सोचा नहीं बनने के लिए, इसलिए मैंने बहुत चीज़ें छोड़ी, बहुत करियर्स छोड़े ताकि मैं फिल्मों को ही परस्यू करूँ। एंड व्हाट इज़ योर बिगेस्ट मोटिवेशन टू मेक फिल्म्स? मुझे मेरी सराउंडिंग्स इंस्पायर करती हैं टू राइट, एंड वो एलिमेंट्स हम इंक्लूड भी करते हैं, और मैं कहूँगा दर्शकों का प्यार, जो आप इतनी फिल्मों को पसंद करते हैं, लिखते हैं, इतने मैसेजेस भेजते हैं, तो वो मोटिवेट करता ही करता है। अगला है मैसेज, ये मैसेज है, सवाल नहीं है, वन ब्रिक JR, मच रिस्पेक्ट टू यू, लव योर पेज, मच रिस्पेक्ट टू यू टू। सो अगला सवाल है फलाना ढिमकाना। यार ये IDs बड़े मज़ेदार हैं। आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर एंड एक्ट ऑन योर मूवी एज ए लीड रोल। आई थिंक आप पहले एक ऑडिशन के लिए अप्लाई करो, बेसिकली हमारे साथ अगर काम करना है तो जब हमारी फिल्म की कास्टिंग कॉल्स आते हैं आप उनमें अप्लाई करो, एंड लेट्स सी इफ यू कैन मेक इट, इफ यू कैन परफॉर्म ड्यूरिंग द ऑडिशन। आई थिंक सबसे ज़्यादा हमने नए लोगों को चांसेस दिए हैं, हमारी फिल्म्स देखो,
तो बहुत नए लोगों ने काम किए और ज़्यादातर नए लोग ही काम करते हैं फिल्मों में। तो अगला सवाल है सहरा ध्रुव, आपकी खूबसूरती का राज। ये देखो, ये मेरे पुराने दोस्त हैं और इन्होंने भी मेहनत की है सवाल लिखने की। मेरी खूबसूरती का राज मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं कि मैं देख देख के मेरी खूबसूरती बढ़ती रहती है। सो अगला सवाल है ट्रांसवुमन रुद्रांशी से। वाओ, एक्चुअली बहुत सारे ट्रांस पीपल हमारे साथ जुड़े हैं एडमिटेड फिल्म के बाद, और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी पिक्चर उन लोगों तक पहुंच सकी है बड़े लेवल तक। शूटिंग के दौरान ऐसा हुआ कि मेन लीड को हंसी आ जाती हो और रीटेक लेना पड़ता हो कई बार। ऐसा मैम बहुत बार हुआ है। मतलब हम ना माहौल लाइवली रखते हैं शूटिंग पे, कितनी सीरियस से सीरियस फिल्म हो, कभी कभार ना कोई ब्रेक डायलॉग से पहले मतलब चुटकुला सुनाया गया हो तो वो एक्टर के मुंह पे चढ़ जाता है, तो उसको हंसी आ ही जाती है सीरियस सीन करते करते, और कई टेक्स लेने पड़ सकते हैं। ओके, अगला सवाल है आशु डडवाल, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग व्हाइल शूटिंग अ शॉर्ट फिल्म और फिल्म। आशु, सबसे पहले तो मैं फिल्म और शॉर्ट फिल्म का बताऊँ। शॉर्ट फिल्म और फिल्म फिल्म ही होती हैं। शॉर्ट फिल्म बस फिल्म का एक शॉर्टर ड्यूरेशन की होती है, बस इतना ही फ़र्क है। उसको बजट्स में कंफ्यूज ना करना। ऐसे कम बजट में भी बड़ी फिल्में बनती हैं और कम बजट में भी छोटी फिल्में बनती हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग, अगर तो आपके पास पैसे नहीं है बिल्कुल, आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, जुगाड़ करके शूट कर रहे हो, तो पहले तो अपने कैमरा पे शूट कर लो, फिर उसे पोस्ट के बाद में डब सिंक ले सकते हो आप अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके। क्योंकि हो सकता है आप ऐसे एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हो जहाँ पे नॉइज़ बहुत हो, लेकिन आपको ऑडियो क्लीन चाहिए, तो फ़ोन से आप रिकॉर्ड कर लो अगर आप स्टूडियो नहीं जा सकते। सेकेंडली, आप माइक्स का यूज़ कर सकते हो, लेपल माइक्स आते हैं, वायरलेस माइक्स आते हैं। अगेन आपके बजट पे डिपेंड करते हैं, आप एक सिंपल लेपल माइक ले लो, वो आपके फ़ोन के साथ भी लग सकता है, आपके कैमरास के साथ भी लग सकता है, एंड दैट इज़ द ईजीएस्ट वे टू बिगिन। कॉम्प्लेक्स फिल्में, जब बड़ी फिल्मों में चेज सीक्वेंसेस हैं, तब आपको वायरलेस माइक की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपका एक्टर और सब्जेक्ट रनिंग फॉर्म में भी होता है और वो कैच करना होता है रिसीवर को, तो वहाँ लेपल रिसीवर माइक्स लगते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा हटके गबरू। यार नाम इतने मज़ेदार है ना, थोड़ा हटके गबरू, यार तू यहाँ पूरा हटके होना चाहिए। सर, योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, हम सारे कैसे बता दूँ यहाँ ऑन कैमरा, वैसे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं और अनाउंसमेंट्स जल्द मिलेंगे आपको कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेजेस, ये वो लोग हैं जो वहाँ नहीं लिखते बट इंस्टाग्राम मैसेज में भेज देते हैं। रंजीत पन्नू, सर रंजीत पन्नू जी ने मैसेज भेजा है। रंजीत पन्नू जी ने हमारे साथ काम किया है और बहुत दफ़ा काम किया है। हु इज़ बेस्ट एक्टर? पन्नू जी, सर सर बता दूँ, जो टाइम से आ जाए, नखरे ना करे, वो बेस्ट एक्टर, आनाकानी ना करे, वो बेस्ट एक्टर है और वो चल जाता है, लंबी रेस का घोड़ा होता है। हु इज़ बेस्ट डायरेक्टर? सर, जो सही टाइम से सही बजट में फिल्म बना दे, वो बेस्ट डायरेक्टर है। ठीक है जी, तो फिल्म की ROI बेटर। वैसे बेस्ट एक्टर और बेस्ट डायरेक्टर गिनाना बहुत कठिन है, बहुत सारे हैं। बेस्ट एक्टर्स का एक्सपोजर लोगों को फीचर फिल्म और टेलीविज़न से लगता है, लेकिन बहुत एक्टर्स थिएटर कर रहे हैं, बहुत अच्छे कलाकार आपको एड्स में नज़र आते हैं, कैंपेन्स में नज़र आते हैं, उन्हें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, वो भी बहुत कमाल के एक्टर्स होते हैं। और बेस्ट डायरेक्टर्स, सर डायरेक्टर्स के बारे में कहना बहुत कम है, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज के डायरेक्टर्स हैं, टेलीविजन शोज़ के डायरेक्टर्स, लोगों को नाम भी नहीं पता होते, ऐसे बहुत डायरेक्टर्स हैं, एंड आई रिस्पेक्ट देम ऑल। रीजनल फिल्म हैं, इंटरनेशनल फिल्म हैं, इंडी फिल्म के डायरेक्टर्स हैं, तो लोगों को लगता है बस फिल्म के डायरेक्टर हैं, ये फिल्म ही बनाई होगी, बस जो फिल्म बनाता है वो डायरेक्टर होता है, ऐसा नहीं होता सर, बहुत चीज़ें डायरेक्टर बनाते हैं। और अगर बेस्ट डायरेक्टर के नाने बैठ जाऊँ तो उनकी ट्रिब्यूट के लिए एक एपिसोड अलग बनाऊंगा। अगला सवाल है IMRH1 ऋषभ भांडा। ओके सर, आई वॉन्ट सम गाइडेंस, आई एम करंटली स्टडिंग बिजनेस इन कार्डिफ यूनिवर्सिटी एंड आफ्टर माई कोर्स आई वुड लाइक टू बी इन फील्ड ऑफ फिल्म मेकिंग। I would like to be in front of camera as an actor, host or a journalist. For the same reason, I wish to study filmmaking and know the technical aspects. So, since you are a pioneer in this profession, I would like you to know, ask you, how wise is it to switch from business to filmmaking? And is the scope of filmmaking in the country good? Right. जितनी फिल्में इंडिया में बन रही हैं, जितना हम लोग फिल्मों को देख के बड़ा हुए हैं, स्कोप है ही है, चीज़ें दिख रही हैं और फिल्में बढ़ रही हैं मोर प्लेटफॉर्म्स के आने के बाद, तो स्कोप अच्छा है ही है, इट विल ऑलवेज बी अ ल्यूक्रेटिव फील्ड। और सिर्फ फिल्म्स ही नहीं है, एज इन द फिल्म मेकिंग आपके पास टेलीविजन है, आपके पास इंडी फिल्म्स हैं, यू हैव अ होस्ट लॉट ऑफ थिंग्स टू वर्क ऑन। फिल्म मेकिंग भी एक बिजनेस है, तो इफ़ यू कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स इन अ मच वाइजर वे। तो आई वुड रिकमेंड कि आप परस्यू करो, डेफिनेटली करो, एंड इफ देर आर एनी कॉलेजेस, इंडिया के बाहर भी पढ़ सकते हो, इंडिया में भी पढ़ सकते हो, इंडिया में FTII है, एक्टिंग के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, और
स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में मास कम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे आपको विच इन वेयर यू विल बी एक्वेंटेड, प्लस आपको एक्चुअल जो लर्निंग है वो आपको सेट पे मिलेगी। तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप एज एन अप्रेंटिस एज एन असिस्टेंट काम करो ताकि यू गेट टू नो दी एस्पेक्ट्स ऑफ फिल्म मेकिंग। अब आएंगे हम फेसबुक कॉमेंट्स पे। रम्मी संधे, ओ माई गॉड, रमी इज़ एन एक्टर। ऑन डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ट्रेनिंग और टैलेंट? देखो, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है और उस ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ टैलेंट आपको बहुत आगे तक लेके नहीं जाएगा, अगर आप कॉन्स्टेंटली ट्रेन करते रहें, इवॉल्व करते रहें, लर्निंग न्यू टेक्निक्स, तो आप ग्रो करेंगे। एक्टिंग परस्पेक्टिव से पूछा तो ट्रेनिंग एंड टैलेंट, और अगर डायरेक्टर्स परस्पेक्टिव से पूछा तो भी टैलेंट और ट्रेनिंग, क्योंकि एक क्रिएटिव एक्यूमेंट तो होना ही चाहिए, पर अगर आपको टेक्निकलिटीज़ नहीं पता हैं तो बहुत लंबे अरसे तक आप नहीं चलेंगे या पीछे रह जाएंगे। अगला सवाल है लिली मैम, योर फिल्म्स हैव मूव्ड मी विद देयर पावरफुल नैरेटिव। ये इतनी इंग्लिश मैम लिखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ इतनी मुझे नहीं समझ में आती। आई हैव टू क्वेश्चंस। फर्स्टली आई वांट यू टू एक्सप्लेन मी एंड योर फैंस, डू यू विजुलाइज अ फ्रेम बिफोर यू स्टार्ट रोलिंग द कैमरास, और डज दैट पर्टिकुलर मोमेंट इंस्पायर यू टू फिल्म द वंडरफुल वे यू डू? मैम, मैं प्लान भी करता हूँ और इम्प्रोवाइज भी करता हूँ। कभी कभार लोकेशन में कोई चीज़ अच्छी मिल जाती है तो आई इम्प्रोवाइज द फ्रेम एज वेल, बट मैं प्लान करके आता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज समथिंग दैट हैज़ फैसिनेटेड मी एवर सिंस आई रेड स्टार रेखा टेल अ रिपोर्टर वंस, वन मस्ट लर्न टू फ्लर्ट विद द कैमरा, हाउ डज वन डू दैट? मैम, आई थिंक दैट कम्स विद द इन्यूमरेबल अमाउंट ऑफ एक्सपोजर यू हैव हैड इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। जब आपको पता है कि ये लाइटिंग आपकी स्किन पे कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, ब्लॉक कितना लगा है, टेक्निकलिटीज़ विल ओनली कम जब आपको अपनी क्राफ्ट, अपनी लाइन्स याद हैं, यू नो वे टू एंटर द फ्रेम, एग्जिट द फ्रेम, सो देन यू कैन स्टार्ट प्लेइंग विद द कैमरा। So that is a thing that even the directors or the cinematographers that you constantly work with, उनको भी पता लग जाता है कि how you can enter the frame, आपके plus points क्या हैं, profile कौन सी better है, तो then you start playing with it. So I think that comes with the experience, आप भी कर सकोगे। अगला question है रमनदीप सिंह, कैसे शुरू हुई आपकी journey in filmmaking? रमन भाई, मैं अपना पहला प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। मैं फाइनल ईयर में था और मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसके लिए मुझे अप्रिसिएशन लेटर आया था मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न से। अगर वो ना आया होता ना तो मैं यहाँ ना होता। मुझे लगा उन्हें पसंद आई, और एट दैट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में सारे लोगों ने फिल्म देखी थी एंड एवरीबडी हैड प्रेजेस फॉर द फिल्म। आई थिंक उस टाइम में वो अच्छी फिल्म बन गई थी अपने लिमिटेड मीन्स में, तो वो मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। अगला सवाल है शिबा विश्वकर्मा का, वाई डिड यू लीव कैम्ब्रिज? वाओ, सो दिस कम्स फ्रॉम माय स्कूल कैम्ब्रिज। आई थिंक देयर इज अ होल एलुमनाई आउट देयर एंड थैंक यू कैम्ब्रिज में इतने लोग अभी भी मुझे याद करते हैं और वो मुझे देख रहे हैं। आई डिड नॉट लीव कैम्ब्रिज, वो मेरे पेरेंट्स का डिसीजन था। वी आर शिफ्टिंग टू अनदर सिटी एंड दैट वॉज दी ओनली रीजन आई वोंट हैव लेफ्ट कैम्ब्रिज। अगला सवाल है यश वर्धन चोपड़ा का, हु वॉज योर क्रश इन स्कूल? यश भी मेरा बैचमेट है, तो यश को मैंने बोला है कि इसकी वो शगन की लिस्ट में ना इसका नाम मैंने सबसे ऊपर लिखा हुआ है। यश भाई को पता है, और मैं दर्शकों को बता दूं, जैसा मैं था ना स्कूल में, किसी लड़की का मेरे पे क्रश नहीं हो सकता था, एकदम वो हट्टा कट्टा, एकदम टेडी बियर टाइप, इतना वो ना मेरा भी नहीं था, क्योंकि मेरा भी फोकस नहीं था, मतलब पढ़ाई ही मेरा फोकस था। मुझे लगता था कि क्लास में टॉप 3 में आ गए तो ही आपकी वर्थ है, नहीं तो इशारे आ रहे मेरे को पीछे से, अरे झूठ झूठ नहीं, मेरे पास रिपोर्ट कार्ड्स हैं और मैं किसी ने कुछ पूछा तो मैं वो आगे लगा दूँगा अगली बार। अगला सवाल है तेजस पुनिया का, आपने डॉक्यूमेंट्री तो बहुत बनाई हैं, कभी साहित्यिक फिल्म पंजाबी साहित्य पर आधारित या बायोपिक बनाने के बारे में सोचा? तो तेजस भाई, मैंने ऑनेस्टली 3 डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाई हैं, पर बहुत लोग मुझे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री से ज़्यादा मैंने फिक्शन और शोज़ बनाए हैं। तो एक मेरी डॉक्यूमेंट्री है समर्पण, एक मेरी डॉक्यूमेंट्री है एडमिटेड, और एक मेरी डॉक्यूमेंट्री है स्कार्स दैट रिमेन आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। तो 3 ही बनाई हैं मैंने, और साहित्यिक फिल्म पंजाबी साहित्य पर आधारित या बायोपिक, हाँ एडमिटेड तो बायोपिक है, एडमिटेड बायोग्राफी ही है धनंजय चौहान की, वो हम बना चुके हैं, और शायद कोई और मुझे आदमी की जर्नी, व्यक्ति की जर्नी
महिला की जर्नी इंस्पायर करेगी और उसको बनाने के मुझे साधन मिलेंगे तो डेफिनेटली वो फिल्म बनेगी। पंजाबी साहित्य की जहाँ तक की बात है तो ये मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा कि वो पंजाबी साहित्य को जानने के लिए कोई फिल्म देखने शायद ना आए। मैं अभी इस स्टेज में ये बात कह सकता हूँ। अगर दर्शक लिखेंगे कि वो इस तरीके की फिल्म देखना चाहते हैं कमेंट्स में लिखना ज़रूर, तो मैं बनाऊँगा, डेफिनेटली बनाऊँगा। देखो हम फिल्म बना के हमारी जर्नी शुरू हो जाती है, मतलब लिखना बहुत आसान है कि साहित्य पर फिल्म बनाओ बायोपिक बनाओ, बट अगर वो फिल्म थिएटर में लगाना ही नहीं चाहते, अगर डिस्ट्रीब्यूटर ही वो फिल्म ही लेगा, अगर OTT वो फिल्म ही लेगा, TV फिल्म ही लेगा, तो भैया वो सिर्फ कुछ कमेंट्स के आधार पर मैं एक फिल्म नहीं शुरू करूँगा, क्योंकि एक फिल्म से पूरी कड़ी शुरू हो जाती है, पूरी टीम की, एक्टर्स की, टेक्नीशियंस की, मतलब एक पूरी 1.5 साल की जर्नी है। मतलब सिर्फ कह देना, आप लिख के बताओ कि ऑडियंस रेडी है, अगर ऑडियंस रेडी है तो ये फिल्म बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। फेसबुक मैसेंजर से अब आए हैं जो हमने सिलेक्ट किए हैं, कंवर पाल कंबोज ने लिखा है, ये एडमिटेड से रिलेटेड है। ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, आई जस्ट लव्ड इट। आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन ड्यूरिंग द मेन बाइट, व्हाई यू पुट रिकॉर्डिंग फ्रेम? अगर हम रिकॉर्डिंग फ्रेम लगाया हमने, दैट वाज माय विजन ऑफ इट, कि एवरीथिंग व्हाट धनंजय जी इज सेइंग इज ऑन रिकॉर्ड। जब रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड आता है, टाइमर आता है, तो एवरीथिंग जो आप बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। सो बिकॉज शी वॉज स्टेटिंग एवरीथिंग विच गोज ऑन रिकॉर्ड, सो रिकॉर्डिंग फ्रेम ने लगाया। इट वॉज अ ट्रीटमेंट ऑफ द फिल्म। अगर आपके और सवाल हैं या आपको लगता है आपके सवाल हम इस एपिसोड में ना ले पाए हों कि हमारा पहला एपिसोड है और शो की लेंथ बढ़ जाएगी, तो आप कॉमेंट्स में फिर से लिख दो, तो आपका क्वेश्चन पिक हो जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आप हमारे चैनल पे जितनी भी कुछ फिल्म्स हैं वो आप देखें, हमारी जितनी भी फिल्म्स आज तक बनी हैं उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो इन केस अगर आप ये वीडियो देख के जानने की कोशिश कर रहे हो कि हमने क्या क्या बनाया है, कौन कौन सी प्रोडक्शंस हुई हैं आज तक, उन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग, रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अलर्ट्स आते रहें, और ये वीडियो को शेयर करो और इसको लाइक करो, और हमें ऐसे कमेंट्स भेजते रहो ताकि बताओ कि एक और एपिसोड आज को जसवी का बनना चाहिए कि नहीं। मैं इंतज़ार करूँगा।